चलिए आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज ये जो कविता मैंने लिखी है उसके पहले मैं कुछ लाइनें अर्ज कर रहा हूँ और पहुँच जाए तो प्लीज़ बताइएगा कि लक्ष्य तो एक ही है मेरा, लक्ष्य तो एक ही है मेरा, पर क्या करूँ उसमें दुविधाएं बहुत हैं। लक्ष्य तो एक ही है मेरा, सबका एक ही होता है, पर क्या करूँ उसमें दुविधाएं बहुत हैं। तुमसे ना मिलूँ, ना बातें करूँ, ना देखूँ, पर क्या करूँ, सब करने के सुविधाएं भी तो बहुत हैं। चलिए एक और पढ़ता हूँ कि मेरे अपने ही जज्बात बयां कर देने से मेरी एक और नई डायरी बन जाती है। मेरे अपने ही जज्बात बयां कर देने से मेरी एक और नई डायरी बन जाती है। लोग कहते हैं वाह वाह, लोग कहते हैं वाह वाह, क्योंकि उनके लिए नई सी मसालेदार एक शायरी जो बन जाती है। चलिए अब मैं मेरी कविता पढ़ता हूँ। अच्छा, ये कविता जो मैंने लिखी है कि उर्दू के शब्द थोड़ा मेरे पास नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये उर्दू बज़्म है तो मैं तो हिंदी माँ का ज़ाया हूँ। तो कविता पढ़ता हूँ और ये कविता का जो टाइटल है बेसिकली बहुत लोगों के साथ हो चुका है और बहुतों के साथ होने वाला है। तो याद दिला दूँ दिए हुए सारे प्यार तो तुम्हारी होंठ सिल जाएगी, याद दिला दूँ दिए हुए सारे प्यार तो तुम्हारी होंठ सिल जाएगी, कुछ खबरें इधर उधर कर दूं तो तुम्हारी दुनिया ही हिल जाएगी, कुछ खबरें इधर उधर कर दूं तो तुम्हारी दुनिया ही हिल जाएगी। आखिर कमी क्या रह गई, आखिर कमी क्या रह गई, कहना था तो कुछ और कहती, खैर ये क्यों कहा कि बाबू तुम्हें तो कोई और ही मिल जाएगी। अच्छा प्यार के बारे में याद दिला दूं दिए हुए सारे प्यार तो तुम्हारी होंठ सिल जाएगी, याद दिला दूं दिए हुए सारे प्यार तो तुम्हारी होंठ सिल जाएगी, कुछ खबरें इधर उधर कर दूं तो तुम्हारी दुनिया ही हिल जाएगी। आखिर कमी क्या रह गई, आखिर कमी क्या रह गई, कहना था तो कुछ और कहती, खैर ये क्यों कहा कि बाबू तुम्हें तो कोई और ही मिल जाएगी। अच्छा प्यार पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है। अच्छा ऑब्जर्व और बीतने के बीच में मेरे लिए एक छोटी पतली सी लाइन है बस। हाँ, ऑब्जर्व और बीतने के बीच में मैं सब भूल के सोता बहुत हूँ, मैं भूल जाता हूँ सब कुछ, क्या ऑब्जर्व क्या बीतना है, ठीक है। अच्छा प्यार पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि प्यार जब होता है तो भी बेइंतहा होता है, और प्यार के बाद जब नफरत होती है तो भी बेइंतहा ही होती है। तो प्यार तुम्हारा भी कुछ कम नहीं था, प्यार तुम्हारा भी कुछ कम नहीं था, शायद इश्क में हमारे ही दम नहीं था। तू जानती है ना तेरे आने से ये दुनिया मेरी फिर से खिल जाएगी, आखिर कहा क्यों कि बाबू तुम्हें तो कोई और ही मिल जाएगी। हाँ सच है मुझे बहुत मिल जाएगी, हाँ सच है मुझे बहुत मिल जाएगी, अगर तेरे तरफ से इश्क था तो तू बता क्या तू रह पाएगी। शर्तें तो यही थी ना, प्यार में शर्तें नहीं होती हैं लेकिन फिर भी थी, शर्तें तो यही थी ना कि हजार बार रूठने पर भी मैं तुझे तू मुझे मनाएगी। थोड़ा वक्त गुजर जाने दे, थोड़ा वक्त गुजर जाने दे, अपने ही फैसले पे खुद को रोता हुआ पाएगी, आखिर कही दिया ना कि बाबू तुम्हें तो कोई और ही मिल जाएगी। चलिए अब प्यार बहुत मिड में जा चुका था तो कोई फेवरेट एक्ट्रेस नहीं रह गई थी, उनका भी कोई फेवरेट एक्टर, क्योंकि उन्हीं के सलमान खान थे, वही मेरी कटरीना, सनी लियोनी नहीं कटरीना थी। तो अब घर में जो कमरे में तस्वीर लगाई थी वो हटाने की बारी आ गई है। तो नहीं सजा दूंगा अब उन कीलों को, नहीं सजा दूंगा अब उन कीलों को जिन पर तेरी तस्वीर लटकाई थी, नहीं याद करूंगा वो दिन प्रपोज तुझे करने के लिए कितनी हिम्मत जुटाई थी, नहीं जुटाता वो हिम्मत, नहीं जुटाता वो हिम्मत, पर आग भी तो जाने जा तूने ही लगाई थी, फिर ये क्या है कि बाबू तुम्हें तो कोई और ही मिल जाएगी। हाँ इश्क, इश्क तो बहुतों से हो जाएगी, अब उनसे कह रहा हूँ, हाँ इश्क तो बहुतों से हो जाएगी, पर तू तो इबादत थी, अब ये हमसे ना हो पाएगी। कंधे तो बहुत तैयार होंगे तेरे लिए, कंधे तो बहुत तैयार होंगे तेरे लिए, एक दिन उनको भी कह देना बाबू यू डिजर्व बेटर, तुझे तो कोई और ही मिल। अब इसके बाद जब कुछ अब बाबू ने कहा था, बाबू ही बहुत है। तो अब इसके बाद क्या है कि ये सबका ब्रेकअप के बाद कुछ बड़ा करना है, कुछ बहुत बड़ा करना है। तो अभी थॉट में ही है, कुछ बड़ा हुआ नहीं है।
तो पहले क्या है, हंस दूं तो जमाना कहे, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है कविता से, हंस दूं तो जमाना कहे हे राम तुझे कोई काम नहीं है क्या, हंस दूं तो जमाना कहे हे राम तुझे कोई काम नहीं है क्या, ज़्यादा बातें करूं तो यही कहें हे राम तेरी कोई अपनी शाम नहीं है क्या। पहुंच रही है, वक्त वक्त की बात है जनाब, वरना आएगा वो भी दिन जब मैं पूछूंगा चले आते हो काम मांगने क्यों, अब तुम्हारा राम नहीं है क्या। थैंक यू।